आंटी है जिसने उसको टेरिस पर देखा था, अब वो जो आंटी है ना खिड़की के बाहर हवा में लटकी हुई है और उसकी मुंडी नीचे है, पैर ऊपर है और ना बहुत ही डरावनी लुक से फिर से वो नेहा की ओर देख रही है। उसकी छाती पर ना वजन आ गया है, उसको सांस नहीं मिल रही है। नेहा अपनी आँख खोल के देखती है तो वो पाती है कि वही भूतनी अब नेहा की छाती पर बैठी है और नेहा का गला दबा रही है। वो जो भूतनी थी ना ऐसे जैसे कुछ छिपकली दीवार पर चलती है ना वैसे दीवार पर चलना स्टार्ट हो गई और रूम की विंडो से बाहर चली गई। नेहा पाती कि उसकी जो दादी है ना कोने में बैठी है जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई है, टेंशन में है, अजीब सा वो डरी हुई है, सर से पांव तक दादी कांप रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये सोनीपत का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है, इसका नाम नेहा है। जो नेहा है ना 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। नेहा को ना झूठ बोलने की बड़ी गंदी आदत होती है, ये हर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलती रहती है। जैसे कि इसने 500 रुपये की एक ड्रेस खरीदी है तो ये ना आसपास के जितने भी लोग हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलती है कि मैंने 2000 की ड्रेस खरीदी है, जाएगी ये दिल्ली घूमने और सबको कि मैं तो गोवा घूमने के लिए गई हूँ। इसको ना बेफजूल छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने की आदत होती है। नेहा जो होती है ना पहले एक छोटे घर में रहती है। अब परिवार वाले सोचते हैं कि नेहा बड़ी हो रही है, नेहा की जो दादी होती है वो भी इनके साथ रहती है, तो ये लोग सोचते हैं कि हमको ना एक बड़ा घर ले लेना चाहिए जिसमें नेहा भी अलग से रूम में रहे और दादी को भी एक अलग से रूम में मिल जाए। तो इसके मम्मी डैडी ना एक बड़ा घर खरीदते हैं। वो जो घर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, अच्छा खुला डुल्ला घर होता है। उस घर के ना बाजू में ही एक मैदान होता है, वो मैदान बहुत ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पर दिन के वक्त तो लोगों की बहुत भीड़ रहती है लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना पूरा मैदान खाली हो जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ना पहले कब्रिस्तान था जिसकी वजह से ना डर के मारे लोग ना रात के वक्त वहाँ पर रुकते नहीं हैं। शाम होते ही वहाँ से ना लोग फटाफट अपने अपने घरों के लिए चले जाते हैं। उस मैदान के ना चारों ओर थोड़ी थोड़ी गैप के बाद ना बेंचेस रखे गए हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं और अक्सर गप्पे मारते रहते हैं। एक बार ना दोपहर का वक्त होता है, नेहा की मम्मी और जो दादी होते हैं ये सो रहे होते हैं, नेहा को नींद नहीं आ रही होती है। तो नेहा सोचती है कि ऐसा करती हूँ आंगन में जाती हूँ और रस्सी कूदना स्टार्ट कर देती हूँ। नेहा ऐसा ही करती है, आंगन में गई है और आराम से रस्सी कूद रही होती है। नेहा की नज़र ना अचानक टेरिस पर पड़ती है और वो पाती है कि टेरिस पर ना एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी है जिसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं, बहुत ही अच्छे उसके बाल हैं और ना वो घूर घूर के नेहा की ओर देख रही है। वो जो औरत है देखने में इतनी खूबसूरत है और लेकिन नेहा को ना बहुत ही घूर घूर के देख रही होती है। तो नेहा सोचती है कि हमारे पड़ोस में कोई आया होगा यहाँ पर का मेहमान जो टेरिस पर घूम रहा होगा और हमारे टेरिस पर आ गया है। उस वक्त क्या था, सबके जो घर थे ना एकदम नज़दीक नज़दीक थे, टेरिस से कोई भी कूद कर दूसरे के घर पर आराम से आ सकता था। तो नेहा ने सोचा कि हाँ हो सकता है ये लोग टेरिस से कूद कर मेरे इधर आ गए होंगे टेरिस पर घूमने के लिए। तो नेहा ना सोचती है कि लेकिन ये आंटी जो है मेरे को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है, नेहा को अजीब लगता है। तो नेहा ना चुपचाप अपना रस्सी उठाती है और रूम में चली जाती है। उसके बाद शाम का वक्त होता है तो नेहा अपनी दादी के साथ ना मैदान में खेलने के लिए जाती है। जो दादी होती है एक बेंच पर बैठ के अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारी है और जो नेहा है ना ये अपने दोस्तों के साथ नगोरचा खेलती है। पंजाबी में नगोरचे को पिट्ठू गरम कहते हैं। ये ऐसी गेम होती है कि साथ बड़े बड़े पत्थर लिए जाते हैं, सबसे नीचे पहले बड़ा पत्थर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर उस छोटा पत्थर, फिर उसके ऊपर उससे छोटा पत्थर, ऐसे कर करके ना 7 पत्थर रखते हैं और बॉल से उस छोटे छोटे पत्थरों को ना फेंक कर बॉल फेंकते हैं और पत्थरों को गिराते हैं। जैसे पत्थर गिरे तो सामने वाली जो टीम होती है वो भागती है और जो ऑपोजिट साइड खड़ी होती है टीम वो सामने वाले के ऊपर बॉल फेंकती है, अगर बॉल टच हुई तो सामने वाला आउट हो गया है, इसको नगोरचा बोलते हैं। तो ये अपने दोस्तों के साथ ना नगोरचा खेल रही होती है। अचानक से इसकी नज़र इनके टेरिस पर पड़ती है और वो पाती है नेहा कि इनके ना टेरिस के ऊपर फिर से वो आंटी बैठी है जो कि घूर घूर के देख रही है,
बहुत ही डरावनी उसकी लुक है। वो नेहा की और ना इतने बुरे से देख रही है, डेंजर लुक दे रही है ना नेहा को। ऐसा लगता है कि जैसे कोई शैतान उसके आंखों के सामने खड़ा है। नेहा को उसकी लुक बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। नेहा फटाफट अपनी दादी के पास जाती है और बोलती है कि देखो ना दादी, टेरिस पर वो औरत मेरे को कैसे घूर घूर के देख रही है। तो नेहा की जो दादी होती है ना, टेरिस पर देखती है तो उसको कोई नज़र नहीं आता। तो नेहा की दादी बोलती है, कौन से टेरिस पर, किधर को, कौन औरत बैठी है? तो नेहा बोलती है, अरे अपने टेरिस पर बैठी है, वो देखो ना सामने औरत बैठी है, कितने डरावनी लुक है उसकी, मेरे को कैसे घूर घूर के देख रही है। तो जो नेहा की दादी होती है ना, वो नेहा को बोलती है, झूठ बोलना बंद कर, तू आजकल बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगी है, और ये जो तू डरावनी पिक्चरें देखती है ना, इसको भी देखना बंद कर दे, खुद भी डरती है और दूसरों को भी डराती है। तो नेहा बोलती है, नहीं मैं सच्ची बोलती हूँ। तो दादी बोलती है, अपना मुँह बंद कर, मुझे पता है, मैं देख रही हूँ टेरिस पर कोई भी नहीं है। अब जो नेहा होती है ना, ये अपने घर पर आ जाती है, पीछे पीछे दादी भी आ जाते हैं। अब ये लोग खाना पीना खाते हैं और आराम से अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। लगभग रात के 3:30 बजे का टाइम होगा, नेहा की अचानक से आँख खुलती है और उसको प्यास लगती है। तो नेहा सीधा किचन में जाती है, पानी पीती है और ग्लास वहीं पर रखकर किचन से बाहर आई ही है तो उसको ना ग्लास गिरने की आवाज़ आती है। तो नेहा सोचती है कि हो सकता है शायद मैंने नींद में ऐसे आड़ा टेढ़ा ग्लास रख दिया होगा, वो डिसबैलेंस हुआ और गिर गया है। तो नेहा सोचती है कि मैं चलो फिर से किचन में जाती हूँ, अच्छे से ग्लास रख कर आ जाती हूँ पत्थर पर। जैसे ही नेहा ने ग्लास किचन से उठाया और पत्थर पर रखा ना, तो उसकी नजर खिड़की पर पड़ी, किचन की खिड़की पर। तो वो पाती है कि वो जो आंटी है जिसने उसको टेरिस पर देखा था, अब वो जो आंटी है ना खिड़की के बाहर हवा में लटकी हुई है और उसकी मुंडी नीचे है, पैर ऊपर है, और ना बहुत ही डरावनी लुक से फिर से वो नेहा की ओर देख रही है। उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें जो है ना, वो नेहा को घूर घूर के देख रही है। ऐसा देख रही है कि जैसे वो नेहा को कच्चा निकल जाएगी। ये देख कर ना नेहा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि ये जो औरत है ये हवा में कैसे लटक सकती है, खिड़की के बाहर तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका ये बैलेंस ले सके और उल्टा हवा में लटक सके, ये हवा में कैसे लटक सकती है। तो नेहा उस औरत को देखकर ना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जोर से चीख मारती है और किचन में ही बेहोश होकर गिर जाती है। फटाफट इसके मम्मी डैडी दादी आते हैं और इसको रूम में लेटाते हैं। जब इसको होश आया ना, तो ये अपने आप को बेड के ऊपर पाती है, जो पूरा परिवार है इसके आजू बाजू खड़ा होता है। तो दादी पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया था? तो नेहा बताती है कि मैंने एक ऐसे ऐसे औरत को किचन में देखा, किचन के बाहर ना वो उल्टा लटकी हुई थी हवा में, ना कभी इधर उड़ रही है कभी उधर उड़ रही है, कैसे उड़ रही है मेरे को नहीं पता है। मैंने आपको बताया था भी शाम को ना, वो औरत मैंने आपको बोला था ना कि अपने टेरिस पर बैठी है, आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। अब ना जो दादी होती है नेहा की बात पर उसको भरोसा हो जाता है। तो दादी बोलती है, बेटा कुछ नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे ऊपर ना प्रार्थना करती हूँ, तू आराम से सो जा, दादी है तुझे कुछ नहीं होने देगी। तो नेहा को ना थोड़ा रिलीज फील होता है, उसको है कि हाँ चल दादी बाजू में बैठी है, प्रार्थना कर रही है, तो मैं अच्छे से आराम से सो जाती हूँ। नेहा ऐसा ही करती है, वो अच्छे से एकदम आराम से सो जाती है। सोने के बाद ना जैसे ही सुबह होती है, नेहा को बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। फटाफट इसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है, थोड़े टाइम के बाद बुखार भी उतर जाता है। अब ऐसा ही होता है, इसको डेली बुखार आ रहा है और फट से उतर भी जाता है। डेली एकदम से इतना ज़्यादा हैवी बुखार आता है और थोड़े टाइम के बाद ये बुखार उतर भी जाता है। अब इसके बहुत सारी रिपोर्ट्स भी करवाई जाती है, बुखार क्यों हो रहा है कुछ रीज़न नहीं पता है। डे बाई डे ना नेहा जो है एकदम पतली होती जा रही है, हड्डियों का ढांचा बन गई है। इसका जो बुखार है कभी आ रहा है कभी जा रहा है, घर के जो लोग हैं बड़े परेशान हो गए हैं, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इनके रिश्तेदार की एक शादी होती है, जिसके शादी में ना इसके मम्मी डैडी को जाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि नेहा की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, शादी में कैसे जाएं। तो नेहा की दादी बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मैं हूँ नेहा के पास। आप उसके मम्मी डैडी को बोलती है कि आप लोग ना शादी में जाओ। इसके मम्मी डैडी शादी में जाते हैं। रात का वक्त होता है, नेहा की जो दादी है ना, नेहा के बाजू में ही एक चारपाई पर सो रही होती है।
सोते सोते ना लगभग 1:30 बजे का टाइम होगा, तो नेहा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी छाती पर ना वजन आ गया है, उसको सांस नहीं मिल रही है। नेहा अपनी आँख खोल के देखती है तो वो पाती है कि वही भूतनी अब नेहा की छाती पर बैठी है और नेहा का गला दबा रही है। नेहा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जो भूतनी है ना उसका वजन इतना है कि नेहा हिल ही नहीं पा रही है और डर के मारे नेहा के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। नेहा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। नेहा बहुत हिम्मत जुटाती है और अपने दोनों हाथों से ना उस भूतनी को जोर से धक्का मारती है। जैसे वो भूतनी नीचे गिरी ना और ज़मीन में समा गई, नेहा फटाफट अपनी दादी के पास गई जो कि बाजू में ही दादी सो रही थी। दादी के ना मुँह पर एक चादर ओढ़ी हुई थी, वो दादी को हिला रही है, दादी उठो वो भूतनी आई थी, दादी उठो। जो दादी है वो उठ ही नहीं रही है, तो नेहा क्या करती है दादी के ना मुंह से चादर हटाती है। जैसे ही चादर हटाएगी ना तो वो पाती है कि चादर के अंदर तो वो भूतनी थी। उस भूतनी को देखकर नेहा जोर से चीखे मारना स्टार्ट कर देती है, बोलती है दादी बचाओ दादी बचाओ। वो जो भूतनी है ना अब नेहा की ओर देखती है और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है, ऊंची ऊंची आवाज से वो हंसना स्टार्ट कर देती है। नेहा की ना हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता, वो बस रो रही है चीख रही है। उस भूतनी की आवाज़ से उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके कानों के पर्दे जो है ना फट जाएंगे। वो अपने हाथ कानों पर रख लेती है और बस चीख रही है दादी बचाओ दादी बचाओ। देखते देखते वो जो भूतनी थी ना ऐसे जैसे कोई छिपकली दीवार पर चलती है ना वैसे दीवार पर चलना स्टार्ट हो गई और रूम की विंडो से बाहर चली गई। और उसके बाद अचानक से नेहा की नज़र ना एक रूम के कोने पर पड़ती है, तो नेहा पाती है कि उसकी जो दादी है ना कोने में बैठी है जो कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, टेंशन में है, अजीब सा वो डरी हुई है, सर से पांव तक दादी कांप रही है। नेहा फटाफट दादी के पास जाती है और बोलती कि दादी आपको क्या हो गया है, तो दादी बोलती है मुझे क्या हुआ वो छोड़ तुझे क्या हो गया था, तो नेहा बोलती है मुझे क्या हो गया था, तो नेहा की दादी बताती है कि अचानक से मेरी आँख खुली और मैंने तुझे पाया, तू अपने बेड पर नहीं है तो मैं तुझे इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मैंने तुझे पाया कि तू ना आंगन में लेटी हुई है, बेहोश है और तेरे मुंह पर खून ही खून लगा हुआ है, तेरे हाथों पर खून लगा हुआ है और तेरे बाजू में ना एक बिल्ली मरी हुई है और जो कि लहूलहान है। मैंने जब तुझे उठाया होश में लाने की कोशिश की ना तो होश में तो आ गई लेकिन जानवरों की तरह तू भागना स्टार्ट कर दी, अपने हाथ और पैर के बल ना आंगन में कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है और तूने अपने दोनों हाथों से मुझे जोर जोर से नख मारना स्टार्ट कर दिए जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, फटाफट इस रूम में आ गई। उसके बाद तेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता है लेकिन जैसे तू रूम में एंटर की ना एकदम नॉर्मल थी, अब जैसी हालत में है ना तो वैसे ही इस रूम में एंटर की थी। अब नेहा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, दादी भी बेचारी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। पूरी रात नेहा और जो दादी है ना जाग कर निकालते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है नेहा के मम्मी डैडी आते हैं तो ना नेहा की दादी पूरा किस्सा बताती है कि रात को ऐसा ऐसा हुआ और नेहा की दादी बताती है कि हमारे पड़ोस में एक डेविड भाई है ना, मैंने सुना है कि वो भूत प्रेत निकालते हैं प्रार्थना करके। तो वो ना नेहा के डैडी को बोलती है कि बेटा ऐसा कर डेविड भाई को बुला कर ला फटाफट। डेविड भाई जब घर पर आते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि इस घर में एक दुष्ट आत्मा है, तो डेविड भाई प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो नेहा है एकदम जो नॉर्मल लड़की थी ना वो ना एकदम बहुत ही डरावनी खूंखार लड़की हो गई है, अजीब अजीब सी वो आवाज़ें निकाल रही है, चीखें मार रही है, रो रही है, अपने आप को नोच रही है। अब जब परिवार के लोग नेहा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना तो वो क्या कर रही है सबको धक्के मार रही है, इतनी उसमें जान कहाँ से आ गई पता नहीं है, वो ना ऐसे सबको उठाकर दूर दूर हवा में फेंक रही है, मम्मी को उठा रही है दादी को उठा रही है। अब ना फटाफट जो नेहा है ना डेविड भाई के पास पहुंची और उन पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। वो डेविड भाई के पास तो पहुंच गई है लेकिन जो नेहा के हाथ है ना डेविड भाई के गर्दन तक आ ही नहीं रहे हैं, वो ना उसके जो हाथ है हवा में दूर से ऐसा कोशिश कर रही है कि वो डेविड भाई की गर्दन को पकड़ ले लेकिन उसके हाथ जो है ना डेविड भाई की गर्दन तक जा ही नहीं रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करती है, बोलती है निकल जा यहाँ से निकल जा। जो डेविड भाई होते हैं ना वो अपना हाथ सीधा नेहा के माथे पर रखते हैं और प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं।
देते हैं। नेहा के अंदर से एक काला सा साया निकलता है, खिड़की के बाहर सीधा चला जाता है और जो नेहा है ना एकदम नॉर्मल हो जाती है। डेविड भाई को देखकर बोलती है, अरे अंकल आप कैसे हैं इस घर में, आप ठीक तो हो ना? तो डेविड भाई होते हैं ना वो बोलते हैं कि अब नेहा ठीक है, वो जो दुष्ट आत्मा है ना यहाँ से निकल गई है। डेविड भाई जो है ना पूरे घर में अच्छे से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि वो जो बुरी आत्मा थी ना अब इस घर में कभी भी नहीं आ सकती है, यहाँ तक कि कोई भी आत्मा दुष्ट आत्मा इस घर में नहीं आ सकती है, आप लोग ना चैन से इस घर में रह सकते हो। उस दिन के बाद ऐसा ही होता है, जो पूरा परिवार है आज की तारीख में भी वहीं पर रहता है और सब लोग अच्छे से खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, मैं आपको अक्सर हर वीडियो में बोलती रहती हूँ कि आप कभी भी अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो या कोई घर रेंट पर लेते हो ना तो पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अगर कोई घर पर रेंट पर लेते हो या खरीदते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दुष्ट आत्मा है कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हो या ऑफिस हो, हमारे घर के नज़दीक हो, हमारे बस में उसका रेंट देना हो या उस प्रॉपर्टी को खरीदना हो तो हम लोग लालच में आके फटाफट प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन बैकग्राउंड नहीं जानते हैं जिसका भुगतान हमको बाद में भरना पड़ता है। अगर आपको जानना है कि इस जगह पर दुष्ट आत्मा है ना तो आप उस जगह पर ना सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आँख बंद करके खड़े रहो, अगर आपको शांति मिलती है तो आप समझ जाओ वहाँ पर दुष्ट आत्मा नहीं है। अगर आपको बेचैनी हो रही है ना तो आप पक्का समझ जाओ कि यहाँ पर 100% दुष्ट आत्मा है। आपको इतनी भी चैनी होगी ना आँख बंद करके आप वहाँ पर खड़े नहीं रह पाओगे, आपको अजीब सी घुटन होगी, तो आपको वो प्रॉपर्टी कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही उस घर को रेंट पर लेना चाहिए। बेटर है कि उस जगह अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमको सस्ता पड़ता है उस जगह को छोड़कर कोई दूसरी जगह पर आप घर पर रहने के लिए चले जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ, तब तक के लिए शालोम शांति और सलाम।